योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में सोमवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि लोगों को स्वच्छता के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है और खुद कुछ अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा, लोगों में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, काशी के 80 घाट से लेके नमो घाट तक और फिर बनारस के कई गरीब मोहल्लों और गांवों और स्कूलों में ये सांस्कृतिक जन जागरण यात्रा जो की साफ सफाई स्वच्छता के संदेश गीत संगीत नाटक के माध्यम से जन जन तक साझा कर रही है। हम लोग शुरू करते हैं जय गीत से। पर एक कमी थी उन हाथों में और कमी थी भारी।
परमाई बापू सवै सिखाए, नहीं सिखाए साफ सफाई। साफ सफाई छूट गई तो मुश्किल हुई हजार, या तो सब कामनाए दुश्मन बने हजार। है, है, क्या कहा क्या कहा दुश्मन? हाँ। अरे कैसे दुश्मन भैया, और कौन सी दुश्मनी? हाँ दुश्मन भैया, अब हम करेंगे मतलब की बात। मैं उन लोगों से गले मिलता हूँ जो लापरवाह रहते, इसमें देखें कौन कौन लापरवाह है। अरे अरे अरे, अरे। हाँ ये नजर आई है, बीमारी से हो गई यारी, अस्पताल से हो गया प्यार। इतना का ही साथ है क्या, दवा खट ऊपर से भारी। अब क्या होना है? होना क्या भैया, तन मन सब खोना है। अरे परिवार में हर पल रोना धोना ही था। जैसे विभिन्न माध्यमों से हम लोग क्षमता वृद्धि कर रहे हैं, कुछ प्रधान जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनके प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं, उनका सम्मान भी हो रहा है, और साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता और अन्य बिंदुओं के बारे में भी उनको जागरूक किया जा रहा है।